अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेकर थाईलैंड में मौजूद मीकोंग रिवर से निकलने वाले आग के गोले और इसके अलावा कनाडा में मौजूद फोरेंग बबल लेक जिसके अंदर राउंड शेप में बेहद ही खूबसूरत बबल बन जाते हैं और आखिर क्या है इसके पीछे की असल कहानी जिसके पीछे के रहस्यों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी नींद तक उड़ा डाली, जानेंगे इस मिस्ट्री के इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताऊंगा जिसके पीछे का रहस्य आज तक कोई पता नहीं कर पाया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सिलिंग स्टोन। अमेरिका की डेथ वैली में एक अजीबोगरीब नेचुरल फिनोमेना नोटिस किया गया जिसमें देखा गया कि जमीन पर जो पत्थर पड़े हुए हैं उनका एक ट्रेल बना हुआ है जिससे साफ नजर आता है कि इन पत्थरों को एक जगह से घसीटकर दूसरी जगह ले जाया गया हो, लेकिन इसके आसपास किसी इंसान का कोई निशान तक मौजूद नहीं है। फिर यह पत्थर अपने आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? लोगों की हैरानी और भी बढ़ गई जब उन्होंने कुछ ऐसे पत्थरों को देखा जिन पत्थरों का वजन 100 किलो से लेकर 300 किलो तक था, यानी इतने बड़े पत्थर जिनको कोई हिला तक नहीं सकता, ऐसे पत्थरों को भी एक जगह से दूसरी जगह घसीटा गया हो। अब हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी हरकत के इतने विशाल पत्थर अपने आप एक समतल जमीन पर कैसे हिले, और अगर इनको किसी ने घसीटा हो तो क्यों उनके पैरों के निशान आज तक इस जमीन पर नहीं पड़े? जब किसी को इन पत्थरों के घसीटे जाने का रहस्य पता नहीं चला तो लोगों ने इन जगह के बारे में अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी और लोगों का कहना था कि इस जगह भूत रहते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य का पता लगाया तो 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुछ विशेषज्ञों ने उस जगह कुछ पत्थर रखे और उन पत्थरों पर कैमरे से नजर रखी गई। 2001 में उन्होंने जो पत्थर रखे थे पूरे 12 सालों में अपनी ही जगह पर रखे रहे, लेकिन साल 2013 में उन्होंने देखा कि पत्थरों की लोकेशन बदल चुकी है और उन्होंने देखा कि पत्थरों के पीछे वही घसीटे जाने वाले निशान बन चुके हैं। तब उन्हें पता चला कि इस नेचुरल फिनोमिना की वजह बारिश है जो सर्दियों में पड़ती है। उन्होंने बताया जब ठंड में इस जगह बारिश होती है तो इस जमीन पर पानी जम जाता है और रात के समय यह पानी बर्फ में बदल जाता है, और जब रात को हवा चलती है तो बर्फ के ऊपर पत्थर हवा के कारण बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और अपने पीछे इस तरह के घसीटे जाने वाले निशान छोड़ जाते हैं। नंबर 2, फोरेन बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के बीच मौजूद है यह अब्राहम लेक। यह लेक 28 किलोमीटर तक लंबी है और ठंड के मौसम में यह लेक पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बर्फ से ढक जाने के कारण इस लेक के अंदर बहुत ही सारे राउंड शेप के बबल बन जाते हैं और यह बबल ब्लू आइस के बीच में बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं, और इन बबल के कारण यह लेक विंटर में टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। देखने में तो यह नेचुरल फिनोमेना बेहद ही खूबसूरत लगता है, लेकिन खूबसूरत दिखने के साथ साथ यह बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि अगर किसी ने इस लेक के आसपास थोड़ी सी भी आग लगाई तो इस लेक के अंदर खतरनाक विस्फोट भी हो सकता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है इस लेक में, आइए जानते हैं। यह जो आप बबल देख रहे हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बबल मीथेन गैस के बने होते हैं जो लेक में मौजूद जीवों और पत्तों के सड़ने से बनते हैं, और यह मीथेन गैस बबल बन जाती है और जब ठंड में यह झील का पानी जम जाता है तो यह बबल भी जम जाते हैं, और फ्रीज हो जाने के बाद भी इन बबल के अंदर मीथेन गैस मौजूद रहती है जिसको अगर जरा सी भी आग दिखाई गई तो इस पूरी लेक में आग लग सकती है। नंबर 3, हिडन बीच। मेक्सिको के साइले समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड मौजूद है जो मेरेटा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह यहाँ मौजूद हिडन बीच की वजह से जाना जाता है। जहाँ नॉर्मल बीच पर आप दूर दूर तक पानी देख सकते हैं, वहीं इस बीच पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बीच जमीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है और इसके चारों तरफ हरियाली मौजूद है। नेचुरल बीच की तरह इस बीच में भी पानी की लहरें उठती हैं, लेकिन सवाल आता है कि इस आइलैंड पर यह बीच कैसे बना। तो 1900 में मैक्सिकन आर्मी ब्लास्टिंग की टेस्टिंग आसपास के आइलैंड पर करती थी, और इसी तरह इस आइलैंड पर भी बम ब्लास्टिंग की टेस्टिंग की गई थी जिसकी वजह से इस आइलैंड पर यह सुराख बन गया, और यह सुराख समुंदर से जा मिला और जिसमें पानी भर गया, और तभी से आज तक इस सुराख में पानी भरा हुआ है। नागा फेयरबॉल्स।
थाईलैंड से गुजरने वाली मीकोंग रिवर दुनिया की 12वीं सबसे लंबी रिवर है। 4,900 किलोमीटर लंबी यह रिवर 5 बड़े देशों से होकर गुजरती है, लेकिन इस नदी का एक हिस्सा जो थाईलैंड के फोन फिसाई से गुजरता है उसमें हर साल ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है, जिसमें रिवर के अंदर से निकलते आग के गोले हवा में उड़ते हुए देखे जाते हैं, जिनको नागा फेयरबॉल्स भी कहा जाता है। यह फेयरबॉल्स आग की तरह होते हैं और इनकी साइज फुटबॉल बराबर होती है। यह फेयरबॉल्स नदी से निकलकर हवा में जाते हैं और कुछ ही देर में अचानक गायब हो जाते हैं। यह फेयरबॉल्स अक्टूबर की एंड में बुद्ध सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस नदी के अंदर एक विशाल ड्रैगन मौजूद है जो अपने मुंह से आग के गोले आसमान की तरफ छोड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और फिर उन्होंने इसकी जाँच पड़ताल की तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह रिवर से निकलने वाली फॉस्फीन गैस का नतीजा है और कुछ वैज्ञानिकों ने से प्लाज्मा फिजिक्स बताया, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगा पाने में सफल नहीं हो सके कि आग के गोले उसी रात बुद्ध सेलिब्रेशन को ही क्यों निकलते हैं। आज तक इस बात का कोई पता नहीं लग पाया है। नंबर 5, भीमकुंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद यह छोटा सा कुंड भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का इतिहास बेहद ही रोचक रहा है। आपको शायद इस बात को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी भूगर्भीय विशेषज्ञ टीमें जिनमें डिस्कवरी से लेकर कई बड़े बड़े चैनल इस कुंड की जाँच पड़ताल के लिए आ चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी गहराई को कोई नहीं नाप पाया और कई वैज्ञानिकों ने तो इस कुंड का संबंध समुद्र से बताया है, क्योंकि 2004 में जब सुनामी आई थी तो इस कुंड का पानी 20 से 25 फुट ऊपर उछलने लगा था, लेकिन आज तक वैज्ञानिक उस कुंड का रहस्य पता करने में सफल नहीं हो सके। अगर आप भीम कुंड के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की कुछ रहस्यमयी जगह। आपको इन 5 जगह में से कौन सी जगह सबसे खतरनाक और रहस्यमय लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें।